अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ले आया हूँ जी आपके लिए एमसीक्यूज़ की वीडियो, जिसका आपको था बहुत इंतज़ार। तो थोड़ी बातें मैं इससे पहले क्लियर करना चाहता हूँ। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारी जो सब्सक्रिप्शन है वॉच टाइम की, वहाँ पे हमारे पास 80% जो लोग हैं अनसब्सक्राइब हैं। तो 20% जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप एक लाल बटन को सब्सक्राइब लगा के दबा नहीं सकते, तो यार नहायत अफसोस की बात है। YouTube सारा डाटा हमें बता देती है। तो बहुत ही दूसरी ये बात आपको क्लियर कर दूं कि आप नीचे कमेंट्स में लिंक्स ना आप किसी चीज़ की पेस्ट किया करें। किसी चीज़ की भी आप लिंक पेस्ट करेंगे तो आपको वो YouTube ऑटोमेटिकली ये अलाउ नहीं करती, तो आप लोगों का वहाँ पे यूज़र जो होगा ब्लॉक हो जाएगा। तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसमें आपका ऑटोमेटिकली वो फ़िल्टर यूट्यूब के लगे हुए हैं, तो वहाँ से आपका यूज़र हाइड हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर आपको चैनल नहीं शो होगा, तो आपका अपना कसूर होगा। और बाकी ये जो नीचे कमेंट्स में बकवास करते हैं, तो इनको सीधा सीधा इनका एक याल है ब्लॉक करना। ये MCQs पहले एक तो ढूंढ के लाना, ऊपर से स्कैन करना, उसके बाद ऊपर से इसको सारा निशान ढूंढ ढूंढ के लगाना, और उसके बाद समझाना, और 28-28 मिनट बैठ के इधर वीडियो रिकॉर्ड करना, एडिट करना, ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है ना। इसलिए थोड़ी सी वो किया करें, इस तरह की बात करने से पहले सोच लिया करें कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है द सवेयर ऑफ मेन काइंड, यूनिट नंबर 1 पे हैं। ये SLOs बेस्ड आपके ग्रामेटिकल है। इसमें कहते हैं कि आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ एडिशन। ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ एडिशन यहाँ पे मैं आपको क्लियर कराता हूँ। यहाँ पे ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ एडिशन में क्या सीन है कि आप लोगों का ये लिखा है असलम लाइक कैंपिंग, आल्सो असलम इज़ एन एक्सपीरियंस्ड हाइकर। ये जो आल्सो है ये क्या ऐड कर रहा है, एडिशन, कोई चीज़ को ऐड कर रहा है, इसलिए ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ एडिशन हो गई। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाए आइडेंटिफाई द जर्न द स्टोरी ऑफ रेस ऑफ अलायंस दैट कम टू इंस्लेव द रेजिडेंट ऑफ अर्थ, ओनली वन टीचर कैन स्टॉप बट इट्स टू लेट। तो ये क्या फिक्शन है, यहाँ पे फिक्शन स्टोरी होती है, इसमें एलियंस के जिक्र, ये सारा फिक्शन है। उसके बाद रिकग्नाइज द यूज़ ऑफ मेटाफर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द रेन केम डाउन इन द फुल कोल्ड बकेट। उसके बाद यहाँ पे है सादिया इज़ गोइंग टू गेट हर VN टेस्टेड बिकॉज शी कांट सू। अंडरलाइन वर्ड का क्या मीनिंग है, तो हाउ वेल अ पर्सन सी, तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद शी हैज जस्टेड अ क्वाइट वेल विद हर हस्बैंड idiosyncrasies, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पेकुलर हैबिट्स। उसके बाद यहाँ पे चाइल्डिश आइडिया, चाइल्डिश का क्या मतलब है, इमेच्योर। उसके बाद कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, दैट सीम्स दैट मीन्स एनिमल लिविंग पार्शली ऑन द लैंड एंड पार्शली इन द वाटर एंड फॉर्म स्टेम वर्ड सेमी, तो सेमी एक्वेटिक, यहाँ से क्या बनता है सेमी एक्वेटिक, जो लोग आधे पानी में रहते हैं और आधे बाहर, उनको सेमी एक्वेटिक कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल वर्ब्स इज यूज इन सेंटेंसेज बिलो शोज द फंक्शन ऑफ रिक्वेस्ट, वुड यू गेट दैट बॉक्स ऑफ द टॉप शेल्फ। उसके बाद आता है जी शी कैन स्पीक 3 languages बट नन ऑफ देम वेल, तो सॉरी ये नीचे वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज यूज ऑफ इंट्रोजिटिव वर्ब, आई वॉज वेटिंग बट नथिंग हैपेंड। तो यहाँ पे इंट्रोजिटिव वर्ब यूज़ हुए, तो ये चीज़ें समझ नहीं, ग्रामर आई हुई, तो ये आप लोगों ने समझ लेनी है। टाइम बहुत कम है, मैं कोशिश करूँगा आपको स्टेंजा और वो राइमिंग स्कीम वगैरह की वीडियो डाल दूँ, और बाकी जी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा टाइम मिलता है तो डाल दूँगा, और आप रिस्पॉन्स सही देंगे तो और भी वीडियो डालूंगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इसमें डी ऑप्शन है लेट गेट अंडर द अम्ब्रेला। उसके बाद 11 नंबर में आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन मार्क है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ जाएगा। उसके बाद सॉर्ट आउट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ही वॉज रीडिंग अ रशियन न्यूज़पेपर। उसके बाद जो फॉलोइंग सेंटेंसेज एज अ यूज ऑफ काउंटेबल नाउन, इसका हाउ मेनी कैंडल्स ऑन द बर्थडे केक। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड सेंटेंसेज, आई गेव 4 sisters एंड ईच ऑफ द देम इज अ क्वाइट डिफरेंट टू फ्रॉम अदर, ये कंपाउंड सेंटेंस है हमारे पास, इसमें दरमियान में एंड के बाद एक और सेंटेंस लग चुका है। उसके बाद हमें क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैव एन एडजेक्टिव फ्रेज, तो ये हैव यू एवर सीन एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता है, एलिफेंट भी आ गया और उसके बाद उसकी खसूसियत भी बयान कर दी वाइट।
उसके बाद चैप्टर नंबर टू पेट्रियाटिज्म पे आ जाएं, तो पेट्रियाटिज्म में जो आपका पहला एमसीक्यूज है, आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंक्लूजन, तो यहाँ पे कंक्लूजन इसमें ड्रॉ हो रही है, द एक्टिंग वॉज सुपर्ब, द लाइटिंग वॉज एक्सलेंट एंड ऑल थिंग्स आर कंसिडर्ड, इट मेड फॉर एन इंटरेस्टिंग प्ले, तो ये कंक्लूड किया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद स्टोरीज कंपोज इन अ वर्स और प्रोज यूजली फॉर थेटिकल परफॉर्मेंस वेयर कॉन्फ्लिक्ट एंड इमोशन आर इफेक्ट, तो इसमें ड्रामा होता है। उसके बाद रिकोगनाइज द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन, तो ये एंगर ग्रेप माई सिस्टर हर्ट इन अ फर्म फिस्ट स्क्वीजिंग आउट ऑल द फीलिंग्स, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन दी गई है। उसके बाद वॉलंटियर का क्या मतलब है, अनपेड वॉलंटियर होते हैं, फ्री में काम करते हैं। आई कैन नॉट बिलीव इन अ वेरासिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये, इंशाल्लाह कल आएंगे सारे। उसके बाद यहाँ पे वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथ। उसके बाद द एरोमा ऑफ ग्रैंड मदर्स कुकिंग वाफ्टेड इन अ लिविंग रूम, पॉजिटिव कॉनोटेशन इसमें क्या है, प्लेजेंट स्मेल, पॉइजनस नेगेटिव है, फाइन स्मेल एक आराम सी चीज़ है, उसके वाइट स्मेल भी नेगेटिव है और प्लेजेंट एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है। उसके बाद विद फॉलोइंग वर्ड इज द करेक्ट वर्ड फॉर दैट मीन फूड ऑपरेटेड लिवर फॉर्म, तो इसमें है पैडल, PEDL, ये मिटा हुआ नहीं नजर आ रहा, तो पैड से पैडल है। उसके बाद अगर हम आएँ तो क्वेश्चन नंबर 8 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल वर्ब इज यूज इन सेंटेंसेस बिलो शोज द फंक्शन ऑफ ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी में ये है कि यू डू नॉट नीड टू कम इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू। उसके बाद जी हम आएँ तो 9 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज यूज ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, तो आमिर कैप्ट सारा सीक्रेट ऑल हर लाइफ, तो इसका ये है। उसके बाद आइडेंटिफाई द प्रोपोजिशन ऑफ मोमेंट यूज इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो प्रेपोजिशन ऑफ मोमेंट में ये द डॉग रैन अक्रॉस द ओवल विद दिस ऑनर वाइल गेम, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ मोमेंट शो हो रही है। उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन अंडरलाइन इन अ फॉलोइंग सेंटेंस, इफ यू टुक मी, यहाँ पे मी अंडरलाइन हुआ हुआ है और उसके बाद यहाँ पे हिम अंडरलाइन हुआ हुआ है, तो ये पर्सनल है, मी और हिम पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद सॉर्ट आउट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो यहाँ पे आउट ऑफ ऑल माई बुक द वन इज द ओल्डेस्ट, ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द पीपल इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री लिव इन अ प्रॉवर्टी। उसके बाद आता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्प्लेक्स सेंटेंस, यहाँ पे है वेन एवर यू गो यू कैन ऑलवेज फाइंड द गुड पीपल, तो वेयर एवर यू गो यू कैन ऑलवेज फाइंड अ गुड पीपल। तो उसके बाद विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस एज एडजेक्टिव फ्रेज, ही वॉज अ यंग मैन ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। उसके बाद गेस्ट एंड मॉडल नंबर 4 पे आते हैं, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर हजरत अस्मा वाले पे बना हुआ है, और अगर आएँ तो नीचे अगर हम आएँ तो यहाँ पे है कि आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ कंट्रास्ट यूज इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इट इज़ रियली कोल्ड टुडे वी कॉन्ट कंप्लेन हाउएवर। उसके बाद अ मेजर लिटरेटर दैट मेड इमेजरी फिगरेटिव लैंग्वेज, तो ये क्या है, पोइट्री। उसके बाद यहाँ पे है रिकॉग्नाइज द यूज ऑफ सिमिली इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज टोल्ड एज इज, तो यहाँ पे सिमिली का मतलब होता है उस जैसा करार देना, तशबीह देना किसी चीज़ को। तो नीचे आए तो फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस, प्राइसलेस का मतलब है कि इट हैज़ अ ग्रेट वैल्यू, ह्यूज वैल्यू। उसके बाद ऑल्दो द बॉयज इन क्लास वर नॉटी, इट नेवर इज फॉर कॉर्पोरल, का मतलब है कि फिजिकल पनिशमेंट। यहाँ पे है द पार्टी नेक्स्ट डोर इज वेरी क्लोज नॉइजी, नॉइजी का मतलब यहाँ पे क्या है, मोटिवेटेड भी नहीं है, मोमेंटस भी नहीं है, पॉइजनस भी नहीं है, अनवेलकम है। उसके बाद भेजा तो फॉलोइंग इज करेक्ट वर्ड दैट मीन्स ईटर एनिमल्स फॉर्म फ्रॉम अ वर्ड कॉर्न, कॉर्न से क्या बनेगा, कार्निवोर्स। तो उसके बाद ईटर का मतलब है ईटर एनिमल, एनिमल में कार्निवोर आते हैं, कार्नेज कॉर्नोसॉर कोई चीज़ नहीं होती। भेजा तो फॉलोइंग मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड इन सेंटेंसेस बिलो द फंक्शन ऑफ हैबिट, आई अराइव अर्ली एंड लीव लेट टू द एवरी मीटिंग। 9 में आते हैं भेजा तो फॉलोइंग सेंटेंसेज आर यूज ऑफ इंट्रोजिटिव वर्ब, रेहान नेवर स्वैम इन द ओशन। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई द प्रोपोजिशन ऑफ टाइम यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, तो वी आर ट्रैवलिंग अबाउट इन अ समर टाइम, ये है जी ये हमारे पास आता है जी जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग टाइम से आता है और समर के आगे भी टाइम लिखा है। उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन अंडरलाइन, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव, हिमसेल्फ कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सॉर्ट आउट एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पे विच इज डॉटर ऑफ योर आर यू टॉकिंग अबाउट, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। इज दिस योर बैग, में कहीं उसकी क्वालिटी नहीं बयान हो रही। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज यूज ऑफ मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन में यूटेंसिल किचन आयरन आ गया, तो ये क्या मटेरियल है।
उसके बाद भेजा तो फॉलोइंग इज अ कम्प्लेक्स सेंटेंस, ऑल्दो ही वाज रिच ही वाज स्टिल अनहैप्पी, ये कम्प्लेक्स है। उसके बाद भेजा फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एडजेक्टिव फ्रेज, अ बर्ड इन द हैंड ऑफ वर्थ टू इन अ बश। तो आगे हम चलते हैं, मॉडल पेपर नंबर 4 पे आते हैं, चैप्टर नंबर 6 है, बेस्ड है कायदे आज़म विजन ऑफ पाकिस्तान पे। तो ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंपैरिजन आ जाता है, तो तानिया इज एंग्रोस्ड इन हर डॉग्स, मारिया इज सिंपली, मारिया और तानिया को आपस में कंपेयर किया गया है इसमें, तो ये क्या है कंपैरिजन। अब बाकी एमसीक्यूज डिस्कस करने का टाइम नहीं है, सही ऑप्शन को देखी जाइए और चलें आगे। फिक्शन इज अ विद अ स्ट्रेंज और अदर वर्ल्डली सेटिंग और करेक्टर, फिक्शन विच इन्वॉल्व सस्पेंशन रियलिटी इज कॉल्ड फैंटेसी। तो ये फैंटेसीज वर्ल्ड होते हैं जिसमें करेक्टर्स होते हैं, फिक्शंस होती हैं, और सस्पेंशन रियलिटी की जगह सस्पेंस डाला जाता है, इसको फैंटेसी स्टोरीज कहते हैं। उसके बाद रिकॉग्नाइज द यूज ऑफ रेपिटेशन इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, तो द अपार्टमेंट वॉज, इसका ऑप्शन नंबर डी, अपार्टमेंट वॉज ऑन टॉप ऑफ फ्लोर, अ स्मॉल लिविंग रूम, अ स्मॉल डाइनिंग रूम, अ स्मॉल बेडरूम एंड अ बाथ। तो यहाँ पे ये बार बार चीज़ को रिपीट किया जा रहा है, स्मॉल को हम एक बार ही लिख के आगे ये सारी चीज़ें, अ स्मॉल लिविंग रूम कॉमा बेडरूम, ये सारा लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें रिपीट हुई हैं। तो साथ साथ उम्मीद है यार काफ़ी एमसीक्यू समझाने की भी कोशिश करता हूँ, टाइम कम है और वीडियो बहुत लंबी हो जानी है अगर एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जो आखिर तक देखेंगे वो नहायत ही लेजेंड बनने होंगे, और जाहिर बात है जिसको पढ़ाई की फिक्र है, अच्छे लोगों को मुझे अपने चैनल पे चाहिए, इस तरह के फजूल किस्म के लोग नहीं चाहिए जिन्होंने पढ़ना तो होता नहीं है, कहते हैं कि हमें पूरा पेपर दे दो फेडरल बोर्ड का, तो ऐसा तो नहीं होता ना बेटा। उसके बाद कहते हैं मिस्टर असलम वॉज अ वेरी प्राउड ऑफ हिज ऑटो स्पोर, तो इज एक्सटेंसिव का क्या मतलब है, लार्ज अमाउंट। आगे अगर हम आए तो वी आर अ नेशन कार्ड अफर्म्ड, अफर्म्ड का मैंने सेड एम्फैटिकली, एम्फेटिकली। उसके बाद व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अ पॉलिटिशियन, तो इसमें नेगेटिव कॉनोटेशन क्या है, इनसेंसेरिटी। तो उसके बाद यहाँ पे बेचा द फॉलोइंग, क्योंकि पॉलिटिशियन अनसिंसियर होते हैं तो उससे ये नेगेटिव कॉनोटेशन हमने डिराइव की है। उसके बाद बेचा फॉलोइंग वर्ड इज अ करेक्ट वर्ड दैट मीन्स स्टडी ऑफ स्पेस इन अ यूनिवर्स फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्टेम वर्ड एस्ट्रो, एस्ट्रो से क्या है एस्ट्रोनॉमी बनता है, वो स्पेस के रिलेटेड है, बाकी चीज़ें नहीं बनती। वही तो फॉलोइंग मॉडल वर्ब आर यूज इन सेंटेंसेज बिलो शोज द फंक्शन ऑफ लाइकलीहुड, तो ये क्या, माई बेबी ब्रदर शुड स्लीप बाय अ नाउ, तो ये लाइकलीहुड का कर रहा है। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर यूज ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, तो रन है इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव का डिफरेंस तो उम्मीद है आपको पता ही होगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, तो यहाँ पे डैड वेंट टू पार्क, यहाँ पे ये मूव हो रहा है डैड और चिल्ड्रन। उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन अंडरलाइन इन सेंटेंस, शी मैरिड अ पेंटर होम शी मेट ऑन बस, तो होम का क्या मतलब है, रिलेटिव रिलेशन शो कर रहे हैं उससे। उसके बाद सॉर्ट आउट द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो यहाँ पे हमारे पास मिल्क आ गया है, और मिल्क क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद विद द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो लॉजिक वॉज इजिली अंडरस्टूड, अब लॉजिक को हम देख नहीं सकते। उसके बाद भेजा द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड सेंटेंसेज, यू इधर कम सी ऑप्शन है और विद मी और नॉर वॉक और होम और गो होम। उसके बाद 15वें पे आते हैं, भेजा द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज एन एडजेक्टिव फ्रेज, तो इसमें कौन सा है, द बैग इज वेरी क्लासी एंड एक्सपेंसिव, क्लासी का मतलब अच्छा खूबसूरत। आगे आ जाएं जी मॉडल पेपर नंबर 5 बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर यूनिट 7 सुल्तान अहमद मस्जिद वाले पे आ जाते हैं, तो ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर डालना, तो ये है यू डी ऑप्शन है इसका, यू कैन ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली ऑब्वियसली यू कैन विजिट टैस्मिया व्हिल्स यू आर देयर। तो उसके बाद स्टोरी अबाउट अनएक्सप्लेन्ड हैपनिंग इज कॉल्ड मिस्ट्री, मिस्ट्री वही होती है जो अनएक्सप्लेन्ड हैपनिंग होती है। रिकॉग्नाइज द यूज ऑफ एलिट्रेशन इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, स्प्लेंडेड सारा सा स्पेशल सेल। उसके बाद द रिपोर्टर इंसिस्टेड दैट द लेटर यूज ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब जेन्युइन और रियल, ही इज एम्प्लॉयड ऑर्डनेंस फैक्ट्री, ऑर्डनेंस का मतलब होता है आर्म्स और एमुनेशन गोलियां बारूदों वाली फैक्ट्री। उसके बाद दैट सच अ यूनिक पर्सपेक्टिव पॉजिटिव कनेक्टेशन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज स्पेशल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वर्ड दैट मीन्स रिकॉर्डेड साउंड फॉर्म फ्रॉम द स्टेम वर्ड ऑड, ऑड से क्या होता है साउंड से ऑडियो, तो ये ऑडियो मीटर ऑडियो बुक्स नहीं है, सिर्फ ऑडियो है सादी ऑडियो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल वर्ब आर यूज इन सेंटेंसेज बिलो शोज द फंक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी, तो जजिंग बाय क्लाउड इट माइट रेन, तो
क्लाउड्स को देख के हम पॉसिबिलिटी कर सकते हैं कि क्या पता बारिश हो जाए। तो 9 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 9 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज यूज ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब ही टुक मी टू अ रेस्टोरेंट। यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है, रेस्टोरेंट ले गया, उसको ट्रांजिटिव है, इसका कोई मीनिंग बन रहा है, तुक बन रही है। उसके बाद आइडेंटिफाई द प्रपोजिशन ऑफ टाइम, तो टाइम है ये माई मॉम गिफ्टेड मी अ पपी ऑन माई बर्थडे। तो आई थिंक सो इस एमसीक्यूज में कोई गड़बड़ी मुझे लग रही है। इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से तो ये 15 होना चाहिए, टाइम इसमें ये नहीं दिया हुआ। तो मे बी बर्थडे भी एक टाइम होता है, एक वक्त होता है मुकर्रा, इसको उस सेंस में भी ले सकते हैं। ये ऊपर डेट है, इसको छोड़ दें, यही सही ऑप्शन है डी। बर्थडे को भी हमें एक टाइम के सेंस में ले सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन अंडरलाइन इन फॉलोइंग सेंटेंसेस, आई मेक केक फॉर गेस्ट देम सेल्फ। तो देम सेल्फ क्या है? इंटेंसिव प्रोनाउन, यहाँ पे इंटेंशन शो हो रही है। उसके बाद ये आता है हमारे पास सॉर्ट आउट एडजेक्टिव क्वालिटी, तो ही हैड टू टेक अ लॉन्ग रूट टू रीच अवर डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे क्वालिटी शो हो रही है उसकी। उसके बाद भी जो द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन बोथ टीम्स, टीम आ गई तो कलेक्शन आ गई। उसके बाद भी जो फॉलोइंग इज अ सिंपल सेंटेंस, द सिविल वॉर वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अमेरिकन हिस्ट्री। उसके बाद भी जो फॉलोइंग इज सेंटेंस एज एडजेक्टिव फ्रेज, अ गर्ल स्मार्टर देन मी। उसके बाद ऑल इज नॉट लॉस्ट चैप्टर नंबर 9, ये आपके चैप्टर कौन सा ऑल इज नॉट लॉस्ट, ये तो मुझे वो पोएम याद आ गई है यार, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट द अनकंकरेबल विल द स्टडी ऑफ हेट एंड रिवेंज। तो आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ रिजल्ट, तो यहाँ पे कैफाइन ये होती है और उसका रिजल्ट क्या होता है, वो बंदे को जगा के रखती है पूरी रात। उसके बाद द स्टोरी द शॉर्ट लेटरी कंपोजिशन ऑफ द रिफ्लेक्ट द ऑथर आउटलुक पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड एसे। उसके बाद रिकॉग्नाइज द यूज ऑफ एलिट्रेशन इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, द ब्लू बुक इज बाउंड टू बेटर देन अदर वन। उसके बाद न्यू स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन द लेटर दैट वॉज फैब्रिकेशन, द अंडरलाइन वर्ड रेफर टू फेक, फैब्रिकेशन का मतलब होता है फेक। उसके बाद जी आगे द कायद वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ का मतलब फर्म फेथ। उसके बाद द स्लेंडर गर्ल मेक हर वे इन टू वर्ड थिन। उसके बाद भैया फॉलोइंग इज अ करेक्ट वर्ड, तो ये ऑटोमेटिक है, ऑटो से वर्किंग बाय इटसेल्फ का मतलब है ऑटो गाड़ियां, ऑटो चीज जो होती है खुद वो खुद काम करती है, तो ऑटोमेटिक इससे निकलेगा। उसके बाद भैया फॉलोइंग मॉडल वर्ब इज यूज इन सेंटेंसेस बिलो द फंक्शन ऑफ सर्टेनिटी, इट्स नियरली 6 o'clock, दे शुड अराइव सून। भैया फॉलोइंग सेंटेंसेज एज यूज इन ट्रांजिटिव वर्ब, ही वॉज लिविंग अ लग्जरी लाइफ अबाउट। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई द प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, तो मूवमेंट में क्या है, एंग्री मैन पुट इज फर्स्ट थॉट ऑन द वॉल। उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन अंडरलाइन इन फॉलोइंग सेंटेंसेस, मुस्लिम शुड नॉट फाइट विद वन एंड अदर, तो ये क्या है रेसिप्रोकल, वन एंड अदर रेसिप्रोकल हो गया। सॉर्ट आउट द कंपेरेटिव एडजेक्टिव एंड फॉर्म द फॉलोइंग ऑप्शन, वेल्स आर लार्जर देन डॉल्फिन्स। तो यहाँ पे हमने कंपेरिजन किया है दोनों के दरमियान में। उसके बाद जी हमने क्या काम करना है, विद द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन है इसका, द लेजिस्लेशन मेट इन अ सीक्रेट सेशन, तो ये लेजिस्लेशन जो होती है ये कलेक्शन है। उसके बाद विद द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड सेंटेंसेज, आई वांट टू गो टू द जिम येट आई डू नॉट गो देयर। उसके बाद आता है विद द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज एन एडजेक्टिव फ्रेज, वी विजिटेड मैनी विलेजेस विदाउट एनी इनहेबिटेंट्स। तो आगे हम चलते हैं, यहाँ पे बेस नंबर चैप्टर नंबर 10 ड्रग एडिक्शन पे आ जाए हैं। तो आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सिक्वेंशिंग आ गया दोबारा से, तो आई विल गो टू द शॉप देन टू द पार्क, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस से बयान किया जा रहा है। स्टोरी अबाउट पर्सन लाइफ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, रिकोगनाइज द यूज ऑफ रिपीटेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, वेदर यू टेक इट लिटरली और यू टेक इट सीरियसली, वट एवर यू टेक इट, टेक इट टेक इट टेक इट टेक इट टेक इट, बार बार लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या हो रही है रिपीटेशन। उसके बाद पुट दिस मेडिसिन इन योर आर्म एंड रब इन योर स्किन अंटिल इट इज इनविजिबल, इट विल इनहेबिट इट। इनहेबिट का मतलब होता है ब्लॉक करना, स्लो डाउन करना, मार देना, खत्म करना, तो ब्लॉक और स्लो डाउन इसका यहाँ पे सही ऑप्शन है। व्हाट इज इज अ साइकोपैथ हु ट्राइज टू विन ओवर पॉलिटिशियंस, उसका मतलब फ्लैटरर, झूठा है। उसके बाद मतलब फ्लैटरी करता है, लोगों के मस्के लगाता है। व्हाट इज द स्ट्रेंज वॉइस, स्ट्रेंज का मतलब होता है डिफरेंट, इसमें न्यूट्रल कॉनोटेशन देनी है, वैसे तो स्ट्रेंज का मतलब वियर्ड भी हो सकता है, तो यहाँ पे न्यूट्रल में डिफरेंट ही आएगा, थोड़ी कॉमन सेंस लड़ानी है यहाँ पे आपने। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ करेक्ट वर्ड दैट मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो डेफिनेटली बायो से क्या बनेगा, बायोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल वर्ब इज यूज इन सेंटेंसेज बिलो शोज द फंक्शन ऑफ कमांड, कमांड में कहते हैं यू मस्ट वॉश द हैंड बिफोर द कुकिंग,
इसको कमांड करता है, यू मस्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर द कुकिंग। उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज यूज्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब आई किल अ स्नेक लास्ट नाइट। तो ट्रांजिटिव वर्ब यही होते हैं जिनका कोई तुक बनती है, जहाँ पे एक्शन भी हो रहा होता है और उसकी कोई सेंस बनती है। Identify the proposition or position used in the following sentences. She waited for her kids at the gate of the school. ये क्या है? Preposition or position है। उसके बाद identify the type of pronoun underlined in the following sentences. Neither of his leg is defective. तो ये क्या है? Neither distributive pronoun distribute कर रहे। उसके बाद sort out the interrogative adjective from the following option. तो ये क्या है? Which book was proof reading do you recommend? उसके बाद भैया फॉलोइंग सेंटेंसेज एज यूज अ मटेरियल नाउन। माय मॉम परचेज मी अ गोल्ड रिंग। तो गोल्ड रिंग क्या है? मटेरियल है भाईजान। उसके बाद भैया फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। शी रिटर्न्ड द कंप्यूटर आफ्टर दैट शी नोटिस्ड इट वाज डैमेज्ड। उसको वो दुकान वाला चूना लगा गया। उसके बाद भैया फॉलोइंग सेंटेंसेज एज एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये क्या है? देयर आई मेट अ गर्ल विद ब्लू आईज। वाओ। तो यहाँ पे नीचे आते हैं ब्लू आइज़ पे, जो भी ब्लू आइज़ तक देख रहे हैं वो सारे लेजेंड हैं। और उसके बाद वो नीचे कमेंट करें जो जो ब्लू आइज़ तक देख रहे हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन यूनिट नंबर 11 नॉइस एंड एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा नॉइस आती है यार। तो चलें इसके बारे में आज पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल डिवाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्रामर आपकी टीचरों ने कराई नहीं है। अभी बच्चे काफ़ी कह रहे थे, शुक्र है आपने बता दी। तो चलें यार, कोई मसला नहीं है, ये करानी चाहिए। असल में मुश्किल चीज़ें हैं ना, टीचर भी बस जान छुड़ाते हैं। उसके बाद कहते हैं आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल डिवाइस टू शो दैट द कॉज यूज इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आई वॉज टू लेट टू वर्क बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक। यहाँ पे ये देखें कॉज होगी because of, तो यहां पे cause show होगी। उसके बाद a dash is a long story that is usually written in a narrative style, तो कौन सी है? novel होती है वो, उसमें राइटर की इमेजिनेशन शो की जाती हैं। रिकॉग्नाइज द यूज ऑफ एलिट्रेशन इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक अ वुमन स्कॉर्न, ये है इसका सीन। तो उसके बाद माय फादर वेंट इन अ रेज। रेज का क्या मतलब है? एंगर, गुस्से से गए। आई टोल्ड हिम अबाउट अ ब्रोकन लैम्प। जब बताया ना अब्बा जान को कि मेरे से लैम्प टूट गया, तो वो चित्तर उठा के फिर आ गए, भाई पुत्र अभी गुस्से में। तो उसके बाद आई फील द हैप्पी क्विवर ऑफ अ बर्ड इन अ फुल सॉन्ग टू शेक स्लाइटली। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता शेक करना है। उसके बाद शी वॉज फियरफुल दैट शी वुड फेल। न्यूट्रल कॉनोटेशन यहाँ पे क्या है? हेजिटेंट। फियरफुल का मतलब यहाँ पे स्केर्ड भी हो सकता था, अफ्रेड भी हो सकता है, लेकिन हमने न्यूट्रल रहना है। तो न्यूट्रल रहोगे तो हेजिटेंट है, थोड़ा सा शर्मा रही थी, झिझक रही थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वर्ड दैट मीन्स प्रेवलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर्म फ्रॉम अ स्टेमर्ड पान। तो पान से क्या बनता है? हर चीज, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या चीज़ फैल गई? पेंडेमिक। आपने कोरोना से तो पेंडेमिक का नाम सुना ही होगा। विद द फॉलोइंग मॉडल वर्ब यूज इन सेंटेंसेज बिलो शोज द फंक्शन ऑफ आस्किंग द परमिशन। कुड आई प्ले टू? वो कहता है मुझे भी खिलाओगे क्या? तो हम गए नहीं पुत्र, या नहीं खिलाते, छुट्टी कर। उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज यूज द ट्रांजिटिव वर्ब इसहाक बोट अ कार। तो इसहाक ने कार ले ली, क्या बात है। उसके बाद कहता है आइडेंटिफाई द प्रपोजिशन ऑफ पोजिशन। तो पोजिशन क्या है? शी वॉज ड्राइंग अ मैप ऑन अ वॉल। तो ये वॉल क्या है? पोजिशन है, वो ड्रा कर रही है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइन प्रोनाउन इन अ फॉलोइंग सेंटेंसेज दोज आर माई बुक। ओ माई गॉड, डिमोन्स्ट्रेटिव। तो ये डिमोन्स्ट्रेट कर रही है उस चीज़ को। Sort out the distributive adjective. तो she had a child hanging on to the each hand में भी क्या हो रहा है? Distribute हो रहा है। उसके बाद कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज यूज्ड अ अनकाउंटेबल नाउन। तो प्लीज हेल्प योर सेल्फ इन सम चीज। चीज़ क्या अनकाउंटेबल नाउन है? उसका वे ऑफ फॉलोइंग इज अ सिंपल सेंटेंस। तो क्या? ही इज नॉट टॉल इनफ टू बी अ सोल्जर। विच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेज इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। ही वॉज वेयरिंग अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। और ये क्या हो गया यार, ख़त्म हो गए हैं आपके MCQs? तो अभी हम आते हैं जी SLOs based MCQs, डिटेल जाने लगे हैं SLOs के। आखिरी वीडियो मैं कवर अप कर रहा हूँ और तकरीबन हो गए हैं 25 मिनट, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हुई, मैं समझा 30 से ऊपर चली गई है। तो चलें, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, SLOs ओरिएंटेड हैं। बस यार ये कर लो, इसके बाद जो मर्जी करो। जिसने आखिर तक वीडियो अभी तक देख रहे SLOs बेस पे जो आ गया ब्लू आइज वाले, और उसके बाद वो भी कमेंट करें। उसके बाद SLOs पे आ गए तो नीचे अभी से ही वीडियो देख रहे हो तो कमेंट कर दो कि SLOs बेस क्वेश्चन पे तक हम वीडियो देख रहे हैं। और जो भी देख रहे हैं वो तो यार हीरो है। तो उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ टाइम।
तो यहाँ पे टाइम क्या यूज़ हो रहा है, उफ़ल्ला, एक तो ये मुसीबत क्या बीच में आती है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ टाइम में ये क्या है, फर्स्ट बॉयल द वाटर देन पोर इट ओवर टी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद सम टाइम्स ऑफ अ नेशनल फोक ऑफ हीरो, तो यहाँ पे इमेजिनेटिव मटेरियल क्या है, लेजेंड। उसके बाद कहते हैं रिकॉग्नाइज द यूज ऑफ मेटाफोर इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो द स्ट्रॉबेरी वाज अ फ्रेश समर डे। उसके बाद अक्रम वाज एक्साइटेड बाय द ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस का क्या मतलब है, वेरी बिग, ह्यूज। उसके बाद नॉइज पोल्यूशन इज वन ऑफ बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिसकम्फर्ट एंड नॉइजेस इन पाकिस्तान। द अंडरलाइन वी वर्ड मीन नॉइजेस का मतलब होता है नॉइस, अनॉय करती है यार, तंग करते हैं, शोर ही शोर होता है, अभी नीचे भी शोर हो रहा है। उसके बाद माय वसीम इज़ एन ओल्डर, मिस्टर वसीम इज़ एन ओल्डर एंड मिस्टर अकरम, तो यहाँ पे न्यूचुअल कौन क्या है, सीनियर है, तमीज़ से थोड़ी बात करनी है न्यूट्रल में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट वर्ड दैट मीन्स समवन हु कैरीज अ बैगेज फॉर्म्ड बाय स्टेम वर्ड पॉट, तो पॉट का क्या है, पॉटर। उसके बाद भैया फॉलोइंग मॉडल वर्ब यूज इन अ सेंटेंसेस बिलो शोज द फंक्शन ऑफ एडवाइस एंड सजेशन, तो ये बी ऑप्शन है इसका, दैट गाय यूज, ये उसको एडवाइस करें यार थोड़ा कम परफ्यूम लगाया कर, सारा दिमाग में चढ़ जाता है। तो आप लोग भी अगर ज़्यादा परफ्यूम लगाते हो तो यार थोड़ा कम लगाओ, मुझे भी बहुत तेज़ अभी खुशबू आ रही है। तो उसके बाद नीचे आते हैं भैया द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज यूज ऑफ इंट्रोजिटिव वर्ब, तो ऑल ऑफ दीज सारों को देख लो ऑप्शंस को। आइडेंटिफाई द प्रपोजिशन ऑफ टाइम यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, में ये है कि वाई यू डू नॉट कम ऑन संडे इवनिंग, ये टाइम है। उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, पोजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद सॉर्ट आउट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या है, शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट क्या बात है बेटा। उसके बाद भैया फॉलोइंग जो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट है लड़की वो नीचे कमेंट करे। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑफ द विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन, तो यहाँ पे क्या है, द कार हिट द हीप ऑफ स्टोन्स। उसके बाद भैया फॉलोइंग इज अ सिंपल सेंटेंस, आई हैव सीन ऑन रेदर टू मैनी प्लेन्स और ट्रेन रिसेंटली। उसके बाद जी 15 नंबर पे भैया फॉलोइंग सेंटेंसेज एज एन एडजेक्टिव फ्रेज, इन अ लो वॉइस ही नरेटेड द टेल ऑफ हिज एडवेंचर्स। उसके बाद कहते हैं इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट डीलिंग विद एन एक्चुअल रियल लाइफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन फिक्शन। उसके बाद कहते हैं रिकॉग्नाइज द यूज ऑफ एलिट्रेशन, तो इसमें क्या है, मारिया मेड मर्ड पाइज ऑन मंडे, अगर कोई मारिया देख रही है तो वो बताए कि उसने मर्ड पाइज मंडे में बनाए हैं या नहीं। तो उसके बाद रिकॉग्नाइज द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन, अप्रैल इज़ अ वेरी वीपी मंथ, तो अगर अप्रैल वीडियो देख रहे हैं मेरी तो वो क्या काम करे, बताए कि यार तुम वीपी मंथ हो या नहीं हो, यहाँ पे तो आपके को वीपी मंथ करार दिया गया है पर्सोनिफिकेशन में। उसके बाद कहता है कि माई मॉम से आई शुड असिस्ट ओल्डर पीपल व्हेन आई कैन ओपनिंग द डोर्स फ्रॉम देम और हेल्पिंग देम ऑन अ स्ट्रीट, तो जो जो बुजुर्ग लोगों को बूढ़े लोगों की हेल्प करता है वो भी नीचे कमेंट में बताए। उसके बाद आई कैन नॉट रिमूव दिस स्प्लिंटर, तो रिमूव का मतलब क्या होता है, टेक आउट, माई मॉम विल हैव टू पुल आउट फॉर मी, तो जो बच्चे स्प्लिंटर क्या रिमूव करेंगे, जो खुद पानी भी नहीं पीते घर वालों को कहते हैं, वो भी नीचे जल्दी से कमेंट करें। उसके बाद ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग दैट योर प्लान इज सो गुड, आई टेंड टू बी एन ऑप्टिमिस्टिक, सो आई वॉन्ट बी सरप्राइज व्हेन यू सक्सीड, तो एक्सेप्टिंग द बेस्ट टू हैपन, जो भी बेस्ट एक्सेप्ट करते हैं हैपन होने से वो भी नीचे कमेंट करें, वो भी नीचे कमेंट करें बस। तो यहाँ पे अभी मेरा स्टूडेंट इथन मेरे पास आ गया है तो अभी इसको भी पढ़ाना है। तो उसके बाद 22 नंबर एमसीक्यूज़ में चलते हैं, आपकी वीडियो को भी ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 22 नंबर एमसीक्यूज़ में आए, तो द डिसीजन टू द टॉप ऑफ एटम बम ऑन हिरोशिमा वॉज ग्रेव वन वॉज अ सीरियस वन, तो जो 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 कहता है ये डिसीजन गलत था वो भी नीचे कमेंट करे। तो यार इतनी कमेंट नहीं करनी, बस वो ब्लू आइज वाली कर देना और बाकी। उसके बाद द वोमेन इज अ डॉव एट हार्ट, तो अगर ये रियलिटी है तो नीचे आप बताएं कि वाकई वोमेन जेंटली होती हैं दिल की, और ये आप मुझे बताएं नीचे। भैया फॉलोइंग इज अ करेक्ट वर्ड दैट मीन्स रिमूव फ्रॉम अ रॉयल्टी फॉर मेड फॉर स्टेम वर्ड डी, तो यहाँ पे क्या, डी थ्रोन रॉयल्टी वगैरह, यहाँ पे बादशाहत हो रही है तो डी थ्रोन करना। उसके बाद जी आते हैं
Which of the following modal verb are used in sentences below shows the function that you cannot be serious? तो यहाँ पे ये मॉडल वर्ब शो हो रहा है. तो विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर यूज ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब. तो द बुक हैज बीन फाउंड. उसके बाद आइडेंटिफाई द प्रपोजिशन ऑफ टाइम, ऑल ऑफ अबव है. आइडेंटिफाई द प्रपोजिशन ऑफ मोमेंट में क्या है, ऑल ऑफ अबव है. उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या है, व्हेन विल माय केक रेडी. उसके बाद प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में क्या है, शी थ्रू अ लेटर इनटू फायर. डायरेक्शन शो कर रहा है कहाँ थ्रू की हुआ. उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ पार्टिसिपल में क्या है, प्लीज हैंड मी अ रीडिंग ग्लासेस. उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेज एज यूज ऑफ अनकाउंटेबल नाउन में, लेट्स गेट रिज ऑफ गार्बेज. गार्बेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन. उसके बाद विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज यूज ऑफ मटेरियल नाउन, द एंकर चीफ इज मेड, द एंकर चीफ इज मेड. उसके बाद ए जी आ जाता है, विच आर द फॉलोइंग वन सेंटेंसेज एज यूज ऑफ मटेरियल नाउन, इसमें एंकर चीफ इज मेड अ पीस ऑफ क्लॉथ. विच आर द फॉलोइंग इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वेस्टेज है. विच आर द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड स्नैच, इधर यू एंड आई आर रॉन्ग. उसके बाद जी विच आर फॉलोइंग इज अ सिंपल सेंटेंस, वी ड्रोव राइट अप टू कराची. फॉलोइंग इज अ कम्प्लेक्स सेंटेंस, स्टे इन द रूम. उसके बाद आगे आ जाए, ये सारे देखें, इसका ऑप्शन नंबर बी है. ये एडजेक्टिव बोरिंग से एमसीक्यूज हैं, इनको मैं नहीं पढ़ा यार, आप ही पढ़ो इसको. उसके बाद यहाँ पे मेटाफॉर यूज करना है, ये देख लो, ये मैं स्लो स्लो चला रहा हूँ, इसको देख लो. डिसएग्रीमेंट आता है डिस्प्यूट का मतलब. उसके बाद जी रिकॉग्नाइज द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन, ये है. उसके बाद यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी है, इसका गियर्ड अप का मतलब रेडी होता है, टैलेंट का मतलब एबिलिटी होता है, डॉग का मतलब अगलीनेस होता है. यहाँ पे नेगेटिव कॉनोटेशन देनी है. उसके बाद जी विच आर फॉलोइंग डेकोरेटेड मतलब फ्लोरल. और यहाँ पे द होम कमिंग इज ऑन सेकंड. प्रपोजिशन ऑफ टाइम यहाँ पे यूज़ हुई है. उसके बाद एडजेक्टिव निकालना है, तो एडजेक्टिव कौन सा आया, इन्वाइटेड माई फ्रेंड. उसके बाद इसका ऑल ऑफ अबव है. उसके बाद इसका द टाइगर अटैक फॉक एंड शीप, ऐसी ऑप्शन है. उसके बाद जी विच आर फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, तो कंपाउंड में क्या है जी, टू मिनट्स. और उसके बाद विच आर फॉलोइंग इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यू वांट टू टेल द ट्रूथ. उसके बाद यहाँ पे है द म्यूजियम आर वेरी इंटरेस्टिंग. उसके बाद आई होप दैट यू आर नॉट एबल टू लेट. उसके बाद प्रपोजिशन में ऑल स्टूडेंट वॉक टूगेदर असेंबली ऑल. उसके बाद यहाँ पे सी वाला ये है रखपोशी. उसके बाद यहाँ पे सीम टू इंटेलिजेंट. उसके बाद इसका डोनेट है और इसका काइंडनेस वाला है. उसके बाद द फुटबॉल मैच वाज कैंसल्ड, ये है. और उसके बाद यहाँ पे हमने टेकन बैक विड्रॉन का मतलब होता है. और उसके बाद यहाँ पे सम टाइम बर्ड फ्लाई है. उसके बाद ये थोड़े ब्लर हो गए हैं, इनको छोड़ दो यार, नज़र आ रहे हैं तो इसका ऑप्शन ये आला बी है. इसका फ़नी है, मुझे तो आ रहे हैं थोड़े थोड़े, आपको भी अगर आ रहे हैं तो आंखें, अगर नज़र आपकी सही है तो पढ़ लो, जिसकी कमज़ोर है उसको तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आएगा. और उसके बाद इसका ऑप्शन नंबर डी है. उसके बाद साइलेंट का इधर मतलब कम्प्लीटली क्वाइट है. उसके बाद यहाँ पे क्लोज्ड है, ये बस नहीं स्कैन हुआ सही. खैर है, इसके होने ना होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता. उसके बाद इसका ये है, इसका सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा है, इसका ऑप्शन नंबर बी है. और इसके बाद इसका ऑप्शन नंबर ए है, इसका ऑप्शन नंबर सी है. नीचे आए तो ये हमारे पास द जर्न दैट इंक्लूड लिटरेचर एंड टेल्स अबाउट द रियल पीपल्स, नॉन फिक्शन कहते हैं इसको. रिकॉग्नाइज द यूज ऑफ एलिट्रेशन, ऑल ऑफ अबव है. उसके बाद डिवाइस का मतलब होता है डिज़ाइन करना. उसके बाद स्ट्रॉल का मतलब वॉक स्लोली है. उसके बाद प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में है, शी डाइव इन टू अ रिवर. उसके बाद यहाँ पे है दोज हू मैंगोज आर ऑल राइप. उसके बाद यहाँ पे टू अ डिज्नी लैंड. उसके बाद यहाँ पे है ट्रीज कॉन्फ्रेंटिंग हिम. तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हैं. तो उसके बाद यहाँ पे इसका मिथ ऑप्शन है. उसके बाद है स्कूल है, कोकम्बर है. उसके बाद डिसलाइक है. और उसके बाद आखिरी एमसीक्यूज हमारे पास 10 pieces of paper प्लाटर है. तो ये बस आखिरी है, ये इसका आवर फ्रेंडशिप विल लास्ट फॉर एवर. तो जिनकी फ्रेंडशिप पूरी ज़िंदगी रहेगी वो भी नीचे कमेंट करें. और उसके बाद एज प्राउड एज पीकॉक, अगर आपको लगता है पीकॉक प्राउड है तो नीचे कमेंट करें, मुझे पता चल जाएगा आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं. उसके बाद लुक है इसका आंसर. उसके बाद आई एट मील दैट यू कुक्ड, तो किसका बना हुआ खाना खाया आपने मुझे भी बताएं. एस क्लियर एस क्रिस्टल,
उसके बाद बायोग्राफी, और उसके बाद पीस बिगेन विद स्माइल, और उसके बाद ऑफ आइसक्रीम, और उसके बाद आफ्टर आई केम होम आई मेड डिनर। अगर आप अपना खाना खुद बनाते हैं तो नीचे कमेंट करें। उसके बाद शी रीड अ बुक एट स्नेल प्लेस, और उसके बाद चार्ली चीट्स ऑन आई चीट शीट्स, और यहाँ पे क्या है द परेड इंक्लूड द फायर ट्रक्स। तो गाइस वीडियो हो गई है 36 मिनट की, जो अभी तक देख रहे हैं 36 मिनट पे हैं तो वो साथ टाइम मेंशन करें और साथ में नीचे कमेंट करें। वो अल्ट्रा प्लस लेजेंड है, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड्स हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो चैनल को जाके धड़ाके धूम धड़ाके से सब्सक्राइब करो यार। शुरू में बताया है कि सब्सक्रिप्शन पर्सन ने 85% नॉट सब्सक्राइब दे के मेरा दिल टूट गया है। इतनी लंबी वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी 9th क्लास वाले बच्चों के तरफ से काफ़ी रिस्पॉन्स आया तो मैंने कहा चले बना देता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।